के कारकुनों का और सारे लोगों का जिन्होंने मुझे आज सपोर्ट किया जब मुझे इलीगली इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करने की कोशिश की पंजाब एंटी करप्शन वालों ने, और उनकी मदद जो की इलीगली कुसार थाने के पुलिस वालों ने और पुलिस वेमेन ने, जो मुझे गाड़ी से घसीट के निकाला गया और मोटरवे पे पता नहीं किधर ले जा रहे थे, और इसमें जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका भी हाथ था क्योंकि मेरा फोन जो खींचा गया उससे एंटी करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और इंशाल्लाह अगर वो समझते हैं कि हमारे लोगों को अरेस्ट करके हमें खौफ ज्यादा करेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हम और ज्यादा तगड़े होंगे और इंशाल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत और ये सारे जो अमेरिका की साजिश में मुलव्वस थे, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो खुफिया इदारे हों और चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत हो, सबको हम कौम के सामने पेश करेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा ये जो जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं लोगों पे और जिस तरीके से ये पूरे मुल्क की तबाही कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और इंशाल्लाह मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और मौला अली का कि खैर खैरियत से मैं घर आ गई, और इस्लामाबाद के चीफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी सुओ मोटो एक्शन लिया मेरी बेटी की पिटिशन पे और इंसिस्ट किया कि मुझे कोर्ट इस्लामाबाद कोर्ट में फौरन पेश किया जाए रात के 11:30 बजे। अगर वो ना ये एक्शन लेते तो पता नहीं मैं इस वक्त किधर पहुंची भी होती, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से ये हुकूमत और जो इनके हुकूमत के हैंडलर्स हैं, जिस तरीके से उनका रवैया है, ये कौम को तबाह कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये तबाही नाकाम होगी इंशाल्लाह।